और उसको स्पॉट हो जाते हैं, स्पॉट स्पॉट्स। दिखा तुझे, दिख रहा है बनाना को, थोड़ा स्पॉट्स हो जाएगा वो। फिर यहाँ भी थोड़ा शेडो हम डालेंगे, इससे क्या हो जाता है, उनको मालूम हो जाता है कि ड्राइंग करते वक्त किधर लाइट है, किधर शेडो है, कहाँ डार्कनेस ज़्यादा है, वो सब कुछ मालूम हो जाएगा तुम्हें। यहाँ से भी लाइटिंग थोड़ा डार्कनेस है इधर नीचे से, आप चाहे तो स्केच पेन से भी इसको ये कर सकते हो। मैं अभी एक तुमको कलर करके दिखाऊंगा, मैं येलो कलर दे दूंगा इसको। ड्राइंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, ओके? कैसे कलरिंग करते हो वो भी आपको मालूम रहना चाहिए, आपका कलर्स पेस्टल्स चारकोल क्रेयॉन्स कैसा घूमता है वो आपको मालूम रहना चाहिए। फिर उसका शेप का आपको मालूम हो जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा डार्क बनाऊंगा इसको, थोड़ा इसमें थोड़ा ऑरेंज ऐड करूंगा उसमें हल्का सा, मुझे डार्क करने का है ना वो बनाना को, इसके लिए। और तुम्हें कैसा दिखेगा ना, तुम बैठे वहां से तुम भी उधर से उसको वैसा ही निकाल देगा, समझा? मैंने उसको अभी ब्राउन ले देंगे। ब्राउन पेंसिल लिया मैंने, थोड़ा डार्क करेंगे। ये देखो यहाँ कैसे कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ थोड़ा ज्यादा डार्क करूंगा मैं, मुझे यहाँ थोड़ा है काला है इसके लिए। लिया है पेंसिल, ने थोड़ा आउटलाइन किया हूँ, थोड़ा इसे डार्क डार्क करेंगे। ज्यादा पकने के बाद केला थोड़ा ऐसे डार्क डार्क दिखेगा। आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो, क्रेयॉन यूज कर सकते हो, पेस्टल यूज कर सकते हो, वो केले को अच्छा बनाने का है, समझा? यहाँ थोड़ा वेरिएशन भी दिखना चाहिए हमको, केला ऐसा में।
जाऊंगा थोड़े यहाँ से, जैसे ज्यादा डार्क दिखेगा। यहाँ से मुझे थोड़ा ऐसे हल्का सा शैडो दिखेगा नीचे, नीचे जो शैडो रहता है ना ग्राउंड पे, वो शैडो निकाल रहा हूँ अभी मैं। ये पूरा आपको ड्राइंग मालूम हुआ कैसा रहता है डायमेंशन वगैरह, फिर तो आपको ड्राइंग अच्छी तरह से आ जाएगा। आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है, समझा? अभी नीचे ग्राउंड का जो उसका शैडो दिख रहा है ना तुम्हें, वो निकाल रहा हूँ अभी मैं। अभी तुम जो बैठे हो वहां से तुमको कैसे दिखेगा वो तुमको ट्राई करने का है, समझा? यहाँ थोड़ा हम भी यूज कर रहे थे लाइट के, ऑरेंज यूज कर रहे हैं, इनको बनाना का इफेक्ट दिखाने का है ठीक से। तुम करोगे? ट्राई करो। तो कैसा दिखता है उधर से देख के करो, केला तुम्हें कैसा दिखे वैसा करो, मेरा ड्राइंग मत देखो। चलो ड्राइंग से बाहर कलर नहीं जाना चाहिए, मालूम है ना?
लाइट से डार्क तक लेके जाना चाहिए। एक ही बार डार्क किया तो आपको दिक्कत हो सकती है बाद में। थोड़ा हम इसमें ऑब्जेक्ट के नीचे कलरिंग कैसा गया है देखो एक बार, आपको मालूम हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन ज्यादा करना चाहिए। बनाना के नीचे से शैडो जो है वो देखो एक बार, कितना डार्कनेस है कितना लाइट है वो देख के कंप्लीट करो। उधर शैडो नहीं आएगा, दिखता है तो ये शैडो उधर पीछे पीछे का शैडो नहीं दिखेगा, दिखता है क्या? ओके फ्रेंड्स को भी बोलो बनाना बना के हमको दिखाने को। तो अकेला करता है कि तेरे फ्रेंड्स को लेके तो ड्राइंग निकालता है? तो शैडोज करो अभी उसको बनाना को। शैडोज कहाँ कहाँ दिखता है ना वहां वहां शैडोज डालो। कंप्लीट हो गया। अभी ब्लैक किधर यूज करोगे? अभी ब्लैक करो, थोड़ा डार्क करो एकदम हल्का सा। हो गया कंप्लीट? हाँ। चलो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू।